नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज थोड़ा सा वक्त मिला है तो बहुत पहले और हमारे कुछ विशेष सीखने वालों ने एक फरमाइश किया था, तो आज अचानक ध्यान में आ गया कि उस फरमाइश पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। वो है विलंबित एक ताल कैसे प्ले करें, किस हिसाब से बजाएं। और दोस्तों जो थोड़ा बहुत सीखे हैं, एक आध साल कोर्स किए हैं, उनके लिए भी ये लेसन बहुत यूज़फुल होने वाला है। जो लोग प्रोफेशनली बजा रहे हैं उनके लिए भी है कि वो तो विशेष रूप से उनको देखना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग संगीत सीखते सीखते गायन क्षेत्र में विलंबित बढ़िया से गा लिए तो उनके लिए कहा जाता है कि चलो अब ये प्रांगत हो गया। तबला वादकों के लिए भी है कि खूब बजा रहे हैं, लाइट म्यूजिक बजा रहे हैं, छोटा मोटा क्लासिकल बजा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब विलंबित में आप सही सही बजा लिए तो कहा जाता है कि चलो अब ये प्रांगत है, अब ये बजा सकता है, अब ये तबला वादक हो गया। तो आज मैं एक ताल विलंबित के साथ आप लोग के साथ हूँ। बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीका से इस चीज़ को समझना है, इसलिए धैर्य बना के वीडियो को आराम से देखना है और सीखना है। सबसे पहले विलंबित का मतलब होता है कि विलंबित लय, यानी कि विलंब से लय, लंबा लय, मध्य लय, द्रुत लय, तीन लय सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो बता दूं कि जो स्पीड है, जो गति है, उसी को लय कहते हैं। स्पीड और संगीत की भाषा में उसको तीन ग्रुप में संगीत क्षेत्र में बांटा गया है, द्रुत लय जो फास्ट लय है, मध्य लय जो मीडियम लय जो होता है, गति जो होती है, और एक है विलंबित लय जिसमें बहुत स्थिरता की आवश्यकता होती है। तो चूंकि आज हम एक ताल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से, यानी कि मध्य लय के अंदर जो बचता है उसको आप द्रुत लय के अंदर भी देख सकते हैं। तीनों लय की चर्चा करें तो जो मैं बताने वाला हूं उसको आप द्रुत लय मान के चलें। तो पहले उस ताल का द्रुत लय देखेंगे, फिर उसको आप मिडल में लाएं, मिडल गति के अंदर लाएं, मिडल लय में लाएं, और फिर उसको विलंबित लय, पूरा विलंबित लय में लाएं। तो एक ताल पे चूंकि चर्चा हो रही है तो एक ताल 12 मात्रे की एक ताल है, ध्यान जहन में रखना है। और प्रत्येक इसका विभाग दो दो मात्रे का एक विभाग है, दैट मीन्स कि 6 विभाग का ये ताल है। और विभाग का ख्याल रख के ही आप बहुत ही जो टफ चीज है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं अभी, कि 12 मात्रा 6 विभाग और प्रत्येक विभाग में 2 मात्रा, ये जहन में रखें। और पहले इसका ठेका आप देख लें और उसके बाद उसको मैं उसी को लोग 24 मात्रा में बजाते हैं उतना ही ठेका को, और उतना ही ठेका को फिर 48 मात्रा में कन्वर्ट करके बजाते हैं। जो थोड़ा सा याद रख के बढ़िया तरीका से, इफेक्टिव तरीका से बजाना, ये अपने आप में कलाबाजी है और ये अपने आप में कलाकार को अपना स्थान दिलाता है कि भाई कितना बढ़िया विलंबित लय में वो ठेका बजा सका है। तो पहले इसका शुद्ध ठेका देख लें। ठेका है धिन धिन धागे तिरकित तू ना कत ता धागे तिरकित धीना। ताली के सहारे देख लें, बहुत यूजफुल चीज है, अब ताली में तो करना ही चाहिए। धिन धिन धागे तिरकित तू ना क ता धागे तिरकित धीना। ये शुद्ध बोल है, इसी का फिर 24 मात्रा बनेगा, फिर 48 बनेगा। तो पहले इसका शुद्ध ठेका एक बार देख लें द्रुत लय में, अगर कोई छोटा ख्याल गाता है एक ताल के अंदर तो कैसे बजाना है। धिन बंद धिन मारना है, धिन धिन धागे तिरकित तू ना क ता धागे तिरकित धी ना। इजी है, थोड़ा फास्ट कर लें क्योंकि ये सब बोल का भी मैं आने वाले दिनों में बहुत सारा चीज बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लय में, चूंकि मध्य लय में जब कोई लोग गाएंगे, बंदिश गाएंगे तो वैसा बजेगा। दिन दिन धागे 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 धागे। इजी है, द्रुत लय में बजाना, मध्य लय में बजाना बहुत आसान काम है। अब इसका क्या करना है कि ये 12 मात्रा में भी प्ले हो रहा है, छोटा ख्याल लोग आएगा तो ऐसे ही बजाना है। अगर इसको इसका जो विलंबित बनाना है 24 मात्रा पहले अगर विलंबित बनाना है तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि प्रत्येक विभाग में जो 2 मात्रा मैंने अभी प्ले किया है
उस प्रत्येक दो मात्रा को आपको चार मात्रा में ले जाना पड़ेगा यानी डबल करना पड़ेगा। 12 को 24 बनाना है, दैट मीन्स कि प्रत्येक एक एक मात्रा को डबल डबल लय में बजाना है। एक एक मात्रा बाय आप देख लें, उसके बाद एक बार पूरा में बता देता हूँ। बोल के शुरुआती मात्रा में, शुरुआती विभाग जो है उसमें दो मात्रा है, धिन धिन। तो दो मात्रा को लेके अगर चलें तो हमको दो मात्रा को चार मात्रा में कन्वर्ट करना है, तो क्या बजाना है, धिन धिन। पहला विभाग में ये प्ले करें, लेकिन इसको सुंदर बनाने के लिए पहला विभाग में क्या करें, धिन धिन धिन। सेकेंड जो आप चौथा मात्रा जो बजाए उसको त्रिकिट में कन्वर्ट कर लें सुंदर लगने के लिए। फिर से पहला विभाग पे अभी चर्चा हो रही है, 24 मात्रा बना रहे हैं, 12 को 24 बना रहे हैं, दिन खाली छोड़ना है। फिर से दिन दिन, पहला विभाग खत्म, 6 विभाग तक करना है, दूसरा विभाग में चले। दूसरा विभाग में बोल है धागे त्रिकिट, इसको भी हमको चार मात्रा में ले चलना है, तो क्या क्या बजाना है उसमें, धागे मध्यलय में कैसे बजाए थे, धागे तिरकी तीन, ये धागे तिरकी दो मात्रा में, धागे तिरकी दो मात्रा में है, लेकिन चार मात्रा करना क्या करना पड़ेगा, धागे तीर। अब पूरा दो मात्रा पहला विभाग और दूसरा विभाग में आपने देखा, तीसरा विभाग में चलिए। तीसरा विभाग में है बोल के अंदर तू ना, एक मात्रा तू है दूसरा मात्रा ना है, बजाना क्या है, तू उ ना आ, चार मात्रा ऐसे पुराना है, तू उ ना आ। अब चौथा विभाग में आइए, चौथा विभाग में है क ता, दो मात्रा है चार मात्रा में लाना है, कैसे करना पड़ेगा, क ता ऐसे करना, क अ ता आ। पांचवा विभाग में आते हैं, पांचवा विभाग में है धागे त्रिकिट, तो अलग अलग करना पड़ेगा, लास्ट विभाग छठा विभाग में धी ना, क्या करना पड़ेगा, धी ई ना आ। इस हिसाब से 6 विभाग का जो है मध्यलय, उसी 6 विभाग में जो 12 मात्रा है, हमको उसी 12 मात्रा को डबल करके 24 मात्रा में लाते हैं, तो ये भी एक विलंबित का रूप है। एक बार 24 मात्रा का विलंबित बोल सहित आप सुन ले कैसे बोले होगा, इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक जगह इसमें भी वेरिएशन ला सकते हैं, और कहां पे फिर से देख लें, दिन 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 था ए तीर की तू उ ना 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 क अ ता आ था ए तीर की दिन ना। अब 24 मात्रा में अगर प्ले कर रहे हैं तो भी, और 48 मात्रा में प्ले कर रहे हैं तो भी, 48 मात्रा बताने वाला हूं, बहुत गौर से देखिएगा। और इसके लास्ट के अंदर, लास्ट में जब सम पे आया जाता है तो छोटा छोटा टुकड़ा बजा के लोग आते हैं, ताकि मजेदार तरीका से सम पे आता है लोग, तो वो भी मैं बता दूंगा। पहले इसका 48 मात्रा देख लें, फिर टुकड़ा बजाने का बीच के अंदर, लास्ट में तिहाई बजा के पकड़ में आने का, ये जब बताऊंगा तो दोनों 24 और 48 दोनों मात्रा में आप एक बार में समझ जाएंगे। पहले 48 मात्रा विलंबित कैसे बजेगा। अब करना क्या पड़ेगा कि जैसे हम 6 मात्रा को, 6 विभाग को यानी कि 12 मात्रा मध्यलय को हम उसको विलंबित 24 मात्रा में बनाए, तो क्या किए, प्रत्येक मात्रा को डबल डबल किए। अब क्या करना पड़ेगा, यही मेन जो तबला वादकों का टफ, तबला वादकों के लिए टफ काम होता है, प्रत्येक मात्रा को चार मात्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 मात्रा के बोल को हम 48 मात्रा में बजा रहे हैं, यानी कि 12 चौका 48, तो 48 मात्रा जाने के लिए प्रत्येक मात्रा को चार मात्रा में। विभाग वाइज देखें और इसको रट जाएं, क्योंकि
अक्सर प्रॉब्लम ये आता है कि बजाते हुए लोग भूल जाया करते हैं कि अब कौन सा विभाग में क्या बजाना था, विलंबित है, भूल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक विभाग विभाग वाइज आप प्रैक्टिस करें। पहला विभाग हमें आते हैं, पहला विभाग का बोल है धिन धिन, इसको ले चलना पड़ेगा, दो मात्रा को चार से गुना करें यानी कि आठ मात्रा बनाना है। कैसे कैसे बनाना है, पहला विभाग में तो कैसे कैसे बनाना है एक बार सुन लीजिए। धिन तीर किट, धिन तीर किट, इतना जब बजाएंगे तो आठ मात्रा पूरी, पहला विभाग खत्म होगा। प्ले कैसे करना है, धिन तीर किट, धिन तीर किट, पहला विभाग ये खत्म हुआ आठ मात्रा। सेकेंड विभाग में चले, सेकेंड विभाग में है धागे तीर किट, इसको दो मात्रा, एक मात्रा में धागे है, दूसरे में तिरकिट है, इसको भी बनाना है आठ मात्रा। क्या क्या बजाना है, कैसे बनाना है, पहले बोल सुन ले, धा आ कृधा धागे तीर कीट, कैसे बजाना है, धा आ कृधा तीर कीट, फिर से एक बार देख लें, सेकेंड विभाग में धा आ कृधा धागे, दूसरा विभाग फिर से देखें, बहुत मजेदार लगता है जब गाना के साथ बजता है विलंबित के साथ, तो धा आ कृधा धागे तीर कीट, दूसरा विभाग हो गया। तीसरा विभाग में है, तीसरा विभाग में मात्रा है तू ना, अब इस तू और ना को बनाना है, दो मात्रा को आठ मात्रा में कन्वर्ट करना है। क्या क्या कैसे बजाना पड़ेगा, तू ऊ तीर कीट ना आ करना ना ना, तीसरा विभाग में तू ना को आठ मात्रा कैसे बनाना है इफेक्टिव तरीका से वो देख लें। तू मान लिए तू ऊ तीर किट ना आ करना ना ना, तो तू ना आठ मात्रा में जाएगा। अब आइए चौथा विभाग में है क ता, ये दो मात्रा को आठ मात्रा बनाना है, कैसे बनाएंगे जो इफेक्टिव रहेगा वो देख लीजिए। क अ अ ते ते ता आ कृता ता ता ता, लास्ट का एक मात्रा ता ता ता, तीन वर्ड ले सकते हैं, थोड़ा आड़ले टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर से देख लें चौथा विभाग में क और ता को कन्वर्ट कर रहे हैं, क अ अ ये आठ मात्रा बन जाएगा। अब पांचवा विभाग में आते हैं, पांचवा विभाग का जो चीज है धागे तिरकिट, ये पूरे बोल में दो बार यूज हुआ है धागे तिरकिट, तो धागे तिरकिट को फिर से एक बार बजाए, फिर से एक बार देख लें कि फिर धागे तिरकिट को कैसे करना है। धा आ कृथा धागे ती र ती, आठ मात्रा में जाएगा, दो मात्रा में कैसे बजाते थे धागे तिरकिट, दो मात्रा, इसको आठ कैसे कैसे बनाना है, धा आ कृधा धागे तीर कीट। अब लास्ट छठा विभाग में धीना, इस धीना को चूंकि यही एक विभाग है जिस विभाग के अंदर बहुत सारा काम करके लोग संपर्क आता है, लेकिन धीना को विलंबित लय में आठ मात्रा में कैसे कन्वर्ट करना है पहले वो देख लीजिए। क्या क्या करना है, धी ई ई धी धी ना आ करना ना 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 दी, यहां सब आ जाए। एक बार 48 मात्रा का विलंबित शुरू से अंत तक मैं बजाता हूं और फिर बता देता हूं कि कहां से किस पॉइंट से। लास्ट विभाग जो है छठा विभाग, जहां अभी अभी मैंने प्ले किया धी ई ई धी धी ना आ करना ना 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 दी, इसी विभाग में टुकड़ा ले सकते हैं 16 मात्रा का या आठ मात्रे का तिहाई ले सकते हैं, लेके सम पे आ सकते हैं। एक बार पूरा विलंबित का आप ठेका सुन लें, धिन 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 धा आ कृधा धागे तीर कीट, तू ऊ आ
कत्ता के बाद धा आ गधा धा ए ई र ई। अब आठ मात्रा बजाओ उधर धीना वाला, तो उसमें क्या करना है छोटा सा तुरा ले धा तीन दिन नाना फिर से धा तीन दिन नाना तीन। तो वहां सम पे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे जो लास्ट विभाग है धीना उसको मैंने क्या किया, जो बोल है वो है धिन धी धी ना आ क्रना ना ना। अब ये हम देख रहे हैं चार और चार आठ मात्रे का, इसको आप टुकड़ा में धाधा दिन दिन ना ना धाकत धाकत धा धिकत धाकत धाकत धाधिकत धाकत धाकत धिन फिर संपूर्ण। अगर इस चार और चार आठ मात्रा में नहीं बजा के सिर्फ चार मात्रा में बजाते हैं तो कहां से पकड़ना पड़ेगा धिन 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 दान धिकट धातृगण धिकट कत तिट तिट कत गति गन धिन। यहां पकड़ो, जैसे एक विलंबित मैं गाता हूं अक्सर, बहुत वैसे तो बहुत विलंबित गाया हूं, लेकिन एक विलंबित का उदाहरण देकर समझाता हूं। जो ले सकते हैं जो यहां यहीं से धाधा दिन दिन नाना ई पे आके सम पॉइंट आ जाएगा। तो 24 मात्रा में भी देख लें कि कहां पे ये टुकड़ा आठ मात्रे का सेट होगा, तो उस हिसाब से मैनेज करके आप बजा सकते हैं। उम्मीद है कि ये सभी लोगों को तो नहीं, लेकिन जिनको आवश्यकता है इस सब चीज़ का, और ये सब चीज़ जब प्ले कर लेगा तो लोग के अंदर क्षमता आ जाती है। तो अगर अक्सर गाने का मौका नहीं भी मिला, बजाने का मौका नहीं मिला, फिर भी काउंटिंग करते रहना है, विभाग वाइज काउंट कर लेना है कि 16-12 मात्रे का जो बोल है उसका पहला विभाग को हम 48 मात्रा कैसे करेंगे, पहला विभाग को 24 मात्रा कैसे करेंगे, कभी पहला विभाग पर रियाज करें, किसी दिन दूसरा विभाग पर रियाज करें, और मेमोराइज कर लें इस चीज़ को, और बेहतर तरीका से करें। आप सभी लोगों का नाम हो, आप सभी लोग एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाएं, ऐसी शुभकामना के साथ। थैंक यू।